दोस्तों, आशीष फार्मिंग टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो मेरा फार्म का लाइव वीडियो है और आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारा दोस्त वीडियो में कमेंट करता है या फ़ोन करके पूछता है कि आशीष मुर्गी का हाइट कैसे बढ़ाया जाए, मतलब आशीष मुर्गी का हाइट कैसे ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो दोस्तों, हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए, मुर्गी का हाइट उसका ब्रीडर से होगा, ठीक ना। जैसे उसका ब्रीडर रहेगा, मतलब उसका जो माता पिता जैसे हाइट का रहेगा उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो अगर आपका माता पिता का हाइट ठीक से नहीं है और आप सोच रहे हो कि कैसे हम हाइट बढ़ाएंगे, तो जिस तरह का ब्रीडर है उसी हिसाब से ना बनेगा आपका। तो आप देख सकते हैं, जैसे बात बोलते हैं ना कि गाधे के पेट से जिराफ थोड़े निकलेगा या ऊँट थोड़े निकलेगा, तो गधा ही निकलेगा ना। आपको जिराफ से पेट से जिराफ निकलेगा, ऊँट के पेट से ऊँट निकलेगा, ठीक है। इसी तरह ब्रीडर जिस साइड में रहेगा आपका, उसी हिसाब से उसका बच्चा भी उसी हिसाब से हाइट होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मतलब खाने में उसको थोड़ा जितना प्रोटीन दीजिएगा उतना मुर्गी आपका ठीक रहेगा, ठीक है। मतलब आप कोशिश करना है कि प्रोटीन दाना खिलाना पड़े। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरा बच्चे का हाइट सब 5 महीना 5.5 महीना इस तरह का एज होगा, बड़ा वाला है। देखिए इसका हाइट, ठीक है। देखिए तो हाँ, लेकिन एक बात बोलेंगे, अगर आपका मुर्गी बीमार होगा कोई, तो उसके बाद आप लिवर टॉनिक यूज कीजिएगा, ठीक है। तो बीमार होने कुछ भी बीमार होगा, मतलब बीमार उसका ठीक हो गया है, उसके बाद आप लिवर टॉनिक दीजिएगा, तो क्या होता है उसमें कि उसका रिकवर होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी उसका शरीर फुर्तीला और तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपका मुर्गी कोई बीमार होगा, तो बीमार ठीक होने के बाद 4-5 दिन लिवर टॉनिक दे दीजिएगा। और लिवर टॉनिक कैसे देना पड़ता है उसका भी वीडियो में डाल चुका हूँ इसी चैनल में, आप देख लीजिएगा कि लिवर टॉनिक कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन होगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपका मुर्गी मतलब खुला रहता है, ठीक ना, इधर उधर घूमता रहता है, तो आप उसको महीने में एक बार ज़रूर डिवर्मिंग कराइएगा, मतलब कृमि का दवा डालिएगा, ठीक है, महीना में एक बार। अगर आपका मुर्गी फार्म में रहता है, जैसे आपका दाना खाता है, आप जो देते हो वही खाता है, तो उसके लिए महीना में एक बार देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2-3 महीना के अंदर आप ज़रूर एक बार डिवर्मिंग कराइएगा आपका मुर्गी को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका मुर्गी का हाइट ठीक से रहेगा और मुर्गी फुर्तीला भी रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात फिर से हम बोल देना चाह रहे हैं कि मुर्गी का हाइट बढ़ाने का कोई दवाई नहीं होता है। अब जैसे उसको खिलाइएगा, मतलब यही खाना दाना या फिर जिस हिसाब से खिलाइएगा उसी हिसाब से उसका शरीर ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। हाइट का खाने से भी कोई मतलब नहीं है। अब जैसे देसी मुर्गी या पोल्ट्री को कितना भी खिलाइएगा, जो भी खिलाइएगा, तो उसका हाइट पोल्ट्री जैसा ही ना होगा। तो असल मुर्गी उसका ब्रीडर ठीक रहेगा तो आपका बच्चा भी हाइट ठीक रहेगा, ठीक है, बच्चे का भी हाइट ठीक रहेगा। तो इसीलिए अच्छा ब्रीडर लाना दोस्तों पालने के लिए। तो
आपका बच्चा भी अच्छा हाइट वाला होगा और जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि कुछ विटामिन खिलाने से क्या हाइट बढ़ेगा, नहीं दोस्तों ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है दोस्तों। कोई विटामिन ऐसा नहीं है कि हाइट मुर्गी का हाइट बढ़ा देगा, ठीक है, हो सकता है उसमें नुकसान हो जाएगा आपका मुर्गी का कुछ, ठीक है, विटामिन खिला खिला के। तो इसीलिए हम सारे दोस्त को बोलना चाहते हैं कि मुर्गी का हाइट बढ़ाने का कोई दवाई नहीं है। वैसे आप ये कर सकते हैं कि उसको अच्छा खाना दे सकते हैं, जैसे फीड अच्छा क्वालिटी का, और क्या खिलाने से मुर्गी अच्छा रहता है उसका भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी देख लीजिएगा, होने से आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा।